तो तुम तो सीढ़ी पे ही मनोरंजन कर लेते हैं। देख लो देखी बता देखो क्या दो। देखो दोस्तों कह रहे क्या दो। अब ते जोगिनी आवे दोस्तों देख से देन तुम्हें मैं जान के तो खड़ा हो गया। खड़ा ना क्या हो मतलब चुम्मा लूं खड़ा ना। आई हो रहा मैं ही तो यूट्यूब पर टट्टी टट्टी कर ढा रहे हैं अपने चैनल पर टट्टी टट्टी कर ढा रहे हैं। हेलो फ्रेंड नमस्कार वेलकम हमारे चैनल प्रतिमार के ब्लॉग में। जैसे कि आप लोगों ने कई भाई बोले मेरे कमेंट में कि आप सबका ठेका लेके बैठी हैं, तो भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ गोरखपुरी भौजी क्या कर बोली थी इनवाइट में सबसे अश्लील वीडियो ये सब बना रहे हैं, अश्लील को जड़ से ख़त्म करिए और सच में जड़ से ख़त्म करिए। देखिए इन लोगों का तो शोभा देखने लायक नहीं है, इन लोगों की फेस तो देखने लायक नहीं है। यूट्यूब पर क्या पैसा कमाते हैं, वही अपना तन दिखा दिखा करके, वही नंगा हो कर करके, वही चुम्मा किस ले करके, यही सब बेशर्म लोग बना रहे हैं। मैं भी अपने लाइव में कुछ नहीं बोलना चाह रही थी कि मैं अपने ही अपने चैनल में उल्टा सीधा नहीं कुछ किसी को बोलूँगी, लेकिन देख देख करके दिमाग ख़राब हो जाता है। घर में दो चार बच्चे हैं वो भी वीडियो देख लेते हैं, बताइए कितना सब लोग छुपा करके रखेंगे। इतना बेशर्मी लोग हैं। इधर बाबू का बेबी क्या हाल कर रहा है आप लोग देख रहे हो, उसके बाद गोरखपुरी भाभी का देखिए वो क्या बोल रही हैं। इन लोगों का ही ड्रामा ही चल रहा है। ठीक है फ्रेंड हम क्लिप लगा रहे हैं, आप जरूर जरूर देखिए फुल वॉच करके मेरा वीडियो देखिए। हम नया नया अपडेट लाते रहेंगे आप लोग के बीच में। और जो बोल रहे हैं भैया आप लोग कि आप ये सब क्या बनाती हैं सबका ठेका लेके बैठे हैं, तो आप लोग को देखना देखिए मैंने तो मत देखिए, लेकिन हम सबका ठेका लेके अब हम ही बैठेंगे। मैं अपनी लाइन में करूँगी क्योंकि सबसे अश्लीलता ये लोग फैला रहे हैं, और जो लोग मेरे कमेंट में बोल रहे हैं ना शायद वही लोग ऐसा वीडियो बनाते होंगे। ठीक है हम लगा रहे हैं आप लोग जरूर देखिए। और दोस्तों आप सभी लोगों से कहना चाहते हैं एक बाबू का बेबी है। आज यहीं पे हम सभी को प्रण लेना है यहाँ पे। और उन सभी मीडिया भाई से मैं कहना चाहती हूँ कि जो लोग गोरखपुरिया भौजी के घर जब भी मन करता है तब तो मैकवा उठा के लेके चले जाते हैं, तो क्या बाबू के बेबी के पास जाने में पेट्रोल खत्म हो जा रहा है। देखिए दोस्तों किसके घर में किसके पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता है, सबके में होता है, ऐसा कोई नहीं होगा जिसके घर में झगड़ा नहीं होता है। दोस्तों बस हम यही कहना चाहेंगे झगड़ा सबके घर में होता है, लड़ाई सबके घर में होता है। हम मानते हैं कि हम एक ब्लॉगर हैं, तो जरूरी नहीं है कि हमारा पति हमको कौन सी गाली से प्रयोग करके हमको गाली दे रहा है, चाहे हम अपने पति को कौन से गाली से प्रयोग कर रहे हैं, कौन से गाली उनके लिए निकाल रहे हैं, जरूरी नहीं है कि सब चीज हम कैमरा पे लाए, क्योंकि ये दुनिया में जाएगा हमारे बच्चे भी देखेंगे। हम रहे ना रहे हमारी आईडी जन्मों जन्मांतर तक चलती रहे। गंदा नहीं करना चाहते हैं, नहीं बोलना चाहते हैं, तो आप लोग ये मत समझिए कि हमें बोलने नहीं आता है। यहाँ पे जितने भी यूट्यूबर भाई बहन हमारे सिस्टर हमारी माता बहन जितने भी लोग आए हैं आप सभी लोगों से कहते हैं कि देखिए सब्र का फल मीठा होता है। आप लोग से बस एक ही विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग कभी भी गलत का रास्ता मत चुनिएगा जी, कभी भी एनी टाइम, क्योंकि ये जो होता है ना आप लोग गलत तो कर लोगे सक्सेस तो हो जाओगे, लेकिन चार समाज में जब जाओगे और कोई आपके सामने जब बोलेगा अरे हम तो जाती है बड़ी गंदा वीडियो बना रहे हैं, शुद्ध वीडियो बनाइए, साफ वीडियो बनाइए, स्वच्छ वीडियो बनाइए, और हम सभी लोग साथ हैं। ऐसा नहीं कि हम साथ हैं, थोड़ा सा हम बीच में परेशान थे अपने सब्सक्राइबर लोगों को, अपने यूट्यूबर भाई बहनों को मैं समय नहीं दे पा रही थी। दोस्तों अब ऐसा नहीं होगा, मैं बहुत परेशान थी, डिस्टर्ब थी, आप लोग देख रहे थे उधर कंट्रोवर्सी ये वो। अच्छा एक बात बताइए, कोई जब हम काम करते हैं कोई सवाल पूछते हैं किसी, अगर एक हम यूट्यूबर है तो क्या मेरा हक नहीं है कि मैं किसी से सवाल पूछूं? क्यों नहीं? अगर मैं किसी से सवाल पूछती हूँ तो लोग कहते हैं कि मैं कंट्रोवर्सी कर रही हूँ, नहीं गलत है। ठीक है अगर मैं किसी से सवाल, अभी सोनी मोनी पर मैं वीडियो बना रही थी, सोनी मोनी सुधर गई, शिवान चौहान भी सुधर गई, जी जी हाँ, गोरखपुरिया जो है सुधर गया, लेकिन अभी सुधर गया है, ये वीडियो पता नहीं कब जाएगी हमें नहीं पता है, लेकिन उंगली कर करके उसको उसकी वाइफ गाली दे रही थी तो उधर से वो भी गाली दे रही थी। हमारे गोरखपुर हमारे यूपी बिहार छपरा सिवान झारखंड बलिया जितने भी लोग हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो कहाँ कहाँ से आप लोग देखते हैं। सिवान चौहान ने कई बार सही है ना, आप सही है, सिवान चौहान ने कई
कई बार माफी मांगा, कई बार वीडियो बनाया कि हम अब गलत वीडियो नहीं बनाएंगे, अगर उधर से गाली नहीं आएगी तो हम गाली देकर के वीडियो नहीं बनाएंगे, लेकिन ये जो पोपो वाला है इसका जो मैंने धंधा जो है बंद करवा दिया, बहुत पोपो वाले का धंधा मैंने बंद करवा दिया, बहुत जरूरी था, सारे अश्लील वाले इकट्ठा हो गए थे, सारे अश्लील वाले इकट्ठा हो करके एक दरी वो क्या हुआ था, वो वीडियो वो बर्थडे नहीं मनाया जा रहा था, वो दिखाया जा रहा था कि कितने अश्लील वाले थे वहाँ। शेरनी गुरु प्रिया भाभी बहुत अच्छा लगा आपका वीडियो मुझे, और मैं भी चाहती हूँ कि अश्लील मुक्त हो जाए, क्योंकि अभी तो सुधरे नहीं है लोग, जिसको आप बोल रहे सुधरे नहीं है, जरूर हल्का फुल्का अपना भाई टैलेंट दिखा रहे हैं, और आप लोग से मैं कह रही हूँ कि आप लोग जरूर सुधर जाइए, बढ़िया वीडियो बनाइए, बोली ना भाभी जी और ऐप है उस पर जाइए अपना धूम धड़ाका खोल करके बनाइए वीडियो, कोई बात नहीं है, इधर हम लगा रहे हैं बेबी का बाबू का, उनका तो उनको तो अच्छी तरह से हम बताएंगे, इधर लगाने का क्लिप देखिए आप लोग। फ्रेंड पूरी वीडियो, ये तो सबसे बड़ा बेलज्जेदम हो गए हैं ये लोग तो सोच रहे हैं कि पैसा कहीं कमाना ना पड़े मुझे, बीबी को ऐसे नंगा कर करके वीडियो बनाते रहे भी वो पैसा पाते रहे, और इसलिए ही वीडियो बना रहे हैं, इनको तो कुछ सुनाई नहीं पड़ा है भाई, दुनिया कहाँ से कहाँ मिल, मेरे शादी में नहीं की हूँ अन मेरे शादी की हूँ, तो शायद उसके माता पिता क्या सोचते होंगे, उसके भाई बाप क्या सोचते होंगे, कहीं नहीं जाती है क्या, माने जो लोग नहीं जाते होंगे वो जैसे मन वैसे बनाइए, उनके पास कोई नहीं है, लेकिन इन लोगों के पास तो सब लोग होंगे ना, ये भगवान ये लोग कैसे हैं, इनकी लोग की सोच कैसे, इन लोगों के घर में तो सब लोग फैमिली होंगे, सब लोग मिले जुले होंगे, माता पिता भाई बहन सास ससुर देवर जेठ बाल बच्चे सब लोग हो जाएंगे, तो ये लोग क्या सोचेंगे, ये लोग कहीं जाती हैं बाहर तो कैसे मुंह दिखाती हैं, मुझे समझ में नहीं आता। ठीक फ्रेंड, अगर हम ज़्यादा बोलें तो माफ़ करिएगा, आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है।